एक समय की बात है, एक जंगल में दो बिल्लियाँ रहती थी। दोनों अच्छी दोस्त थी, दोनों हमेशा साथ रहती, साथ खेलती और साथ सोती भी थी। कभी भी दोनों अलग नहीं हुई। एक दिन दोनों जंगल में खाना ढूंढ रही थी, उन्हें कहीं भी खाना नहीं मिला। दोनों ने बहुत ढूंढा पर कुछ भी हाथ नहीं लगा। दोनों ने सोचा, जंगल में खाना नहीं मिल रहा, क्यों ना हम शहर जाए, और दोनों शहर जाने लगती है। रास्ते में उन्हें एक खेत के पास मक्खन रखा दिखता है। वहाँ पर गाय होती है, किसान होता है, खेत होते हैं, फल फूल सब्जियाँ होती है और बहुत सारा मक्खन भी होता है जो एक मटके में रखा होता है। दोनों एक साथ दौड़ने लगती है मक्खन खाने के लिए। दोनों मक्खन के पास आती है और अब ये तय नहीं कर पाती कि कौन कितना मक्खन खाए। उन्हें मक्खन को दो बराबर हिस्सों में बांटना होता है और वो दो हिस्सों में बांट नहीं पाती। दोनों आपस में तय नहीं कर पाती कौन कितना खाएगा और दोनों लड़ पड़ती है। वे उस मक्खन को लेके जंगल आती है और जंगल आके भी बिल्लियाँ तय नहीं कर पाती और लड़ती रहती है। तभी वहाँ एक बंदर आता है। वो दोनों बिल्लियों को मक्खन के लिए लड़ते देखता है। मक्खन को देखकर बंदर का मन भी ललचा जाता है। बंदर का भी मक्खन खाने का मन होता है और बंदर उन दो बिल्लियों के पास जाता है। वो दोनों को कहता है कि तुम इतना क्यों लड़ रही हो, मैं ये मक्खन को दो बराबर हिस्सों में बांट देता हूँ और फिर तुम इसे खा लेना। बंदर ने मक्खन को दो टुकड़ों में मापा। फिर उसने देखा कि एक टुकड़ा तो दूसरे से बड़ा है। फिर बंदर ने बड़े टुकड़े में से थोड़ा मक्खन खा लिया। फिर बंदर ने दोनों टुकड़ों को तोला और फिर एक टुकड़ा दूसरे से बड़ा था। बंदर ने फिर बड़े टुकड़े में से थोड़ा मक्खन खाया। बिल्लियाँ ये सब देख रही थी पर कुछ नहीं बोली। बंदर ऐसे ही मक्खन तोलता रहा और खाता रहा। बिल्लियों को बड़ा गुस्सा आया पर तब तक बंदर सारा मक्खन खा के पेड़ पर चढ़कर बैठ गया था और हंस रहा था। इस तरह दोनों के झगड़े में तीसरे ने लाभ उठाया था। इसीलिए कभी भी दोनों के झगड़े में तीसरे को लाना नहीं होता।